हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्सेट के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम खुद का एक टैब क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे टैब्स हैं। अभी मुझे अगर चाहिए कि मेरा एक पर्सनल टैब हो जिसमें मैं मेरे फेवरेट टूल्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम पहले आ जाएंगे फाइल टैब पर। यहाँ पर हमें लास्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस, उसे क्लिक कर लीजिए। फिर हमें आ जाना है कस्टमाइज रिबन, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें न्यू टैब क्रिएट करना है। तो मैं चाहती हूँ कि होम टैब के बाद मेरा टैब शो होना चाहिए, तो हम न्यू टैब पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू टैब कस्टम यहाँ पे शो हो गया है। अभी मुझे इसका नेम चेंज करना है, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद रीनेम ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस टैब का नेम हम एंटर कर देंगे, जैसे कि डेमो टैब। उसके बाद ओके कर दीजिए, इसका नेम इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ग्रुप का नेम मैंने दे दिया पर्सनल टूल्स और ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब हमें करना है ओके। तो आप देख सकते हैं होम टैब के बाद डेमो टैब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे कोई भी टूल्स नहीं है क्योंकि हमने ऐड नहीं किए हैं, तो अभी हम टूल्स ऐड कर लेंगे। तो डेमो टैब के अंदर हमने पर्सनल टूल्स का ग्रुप बनाया था, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड, पर्सनल टूल्स ऑप्शन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड हो चुका है। वैसे आप जितने भी टूल्स चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे टूल्स ऐड कर लिए हैं, अब इसे कर देंगे ओके। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पर्सनल टैब क्रिएट हो चुका है, जहाँ पर हम हमारे फेवरेट टूल्स या मोस्ट यूज टूल्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने टैब तो क्रिएट कर लिया, अगर अभी हमें इसे रिमूव करना है तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कस्टम रिबन्स पर आ जाएंगे। अभी हमें सिर्फ ग्रुप डिलीट करना है, तो हम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप रिमूव हो चुका है। सेम अगर अभी हमें पूरा का पूरा टैब रिमूव करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए और रिमूव ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों, एक्सेल में इस तरीके के और भी क्रेजी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रैक्सिंग माइक्रोसॉफ्ट को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।